तो आज हम लोग बात करेंगे रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। ये कोर्स में आया है नया नया बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो सेमेस्टर जो लागू हुआ है उसके अंदर में तो डिस्कस करते हैं पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को। तो ये हम लोग पहले से जानते हैं, अगर हम 2D के केस में देखें, टू डायमेंशनल, तो आज हम टू डायमेंशन ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3D डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए अगर कोई पॉइंट P है यहाँ, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये लेंथ होती है हमारी एक्स और ये वाई, और अगर इसको हम पोलर में कन्वर्ट करें तो इसको हम पोजीशन वेक्टर लेते हैं एक तरह से आर जैसा, और ये थीटा, तो पोलर में हम इसको बोलते हैं आर थीटा कोऑर्डिनेट में। और एक जनरल रूल है कि अगर हमें डायरेक्ट कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में जाना है तो हम क्या करते हैं, एक्स को रिप्लेस कर देंगे आर कॉस थीटा से और वाई को रिप्लेस करेंगे आर साइन थीटा से। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट कार्टेशियन टू पोलर ट्रांसफॉर्म करते हैं। आज हम लोग समझेंगे कि अगर हम ट्रांसफॉर्म कर दें, रोटेशन एक्सिस का ही रोटेशन करें, तो कोऑर्डिनेट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे, जहां हम लोग दिखाएंगे एक्सिस का रोटेशन। तो सपोज करिए ये टू डायमेंशनल एक्सिस है एक्स एंड वाई, और यहाँ पे कोई पार्टिकल है पी, और मान लीजिए ये आर डिस्टेंस पे है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और एंगल है ये अल्फा अल्फा। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं नीचे, ये हमारी लेंथ होती है एक्स, और ये इधर वाली लेंथ अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये वाली लेंथ होगी वाई वाई। अब हमें क्या करना है, इस एक्सिस को रोटेट करना है। तो मान लीजिए कि अगर हम इस एक्सिस को थीटा एंगल से रोटेट कर दें, थीटा एंगल से अगर हम रोटेट करें तो ये एक्सिस कुछ इस तरह से जाएगी, इसको मान लेते हैं एक्स प्राइम, एक्स डैश या एक्स प्राइम, और जितनी एंगल से ये एक्सिस मूव करेगी उसी सेम एंगल से हमारा वाई एक्सिस भी मूव कर जाएगा। तो वाई एक्सिस जाएगा इस डायरेक्शन में, वाई डैश या वाई प्राइम, तो ये भी थीटा होगा थीटा। अब अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस एक्सिस के ऊपर, तो ये जो लाइन है हमारी ये है वाई डैश, यानी अगर इस एक्सिस के अबाउट या इस एक्सिस से हम इस पी पॉइंट को कोऑर्डिनेट देखें तो हम क्या लिखेंगे, एक्स डैश और वाई डैश, यानी एक न्यू एक्सिस हमारी एक्स डैश और ये वाई डैश, इसके हिसाब से जो कोऑर्डिनेट्स होगा इसी पी का वो क्या होगा, एक्स डैश और वाई डैश। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है उसके थ्रू हमें ये डिस्टेंस होगा वाई डैश, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस है एक्स डैश, ये जो डिस्टेंस है ये वाली ये है एक्स डैश, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये जो डिस्टेंस होगी वो एक्स होगी। तो अब अगर हम लिखना चाहें कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये वाली जो वैल्यू है एक्स इक्वल हो जाएगा कितना हमारा, एक्स इक्वल ये आर है और ये पूरा अल्फ़ा है, तो एक्स इक्वल टू होगा आर कॉस अल्फ़ा, और इस लाइन को हमने माना है वाई, ये वाई किसके बराबर होगा, आर साइन अल्फ़ा। सो इस वेक्टर का दोनों कंपोनेंट एक इधर, तो x होगा r cos अल्फ़ा और y की वैल्यू r sin अल्फ़ा। अब अगर हम यही चीज़ इस एक्सिस के अबाउट देखें, इस एक्सिस में तो जो हमारा x डैश होगा वो किसके बराबर होगा, x डैश होगा ये r, इसके लिए भी सेम है r, और इसके बीच का जो एंगल होगा वो होगा अल्फ़ा माइनस थीटा, सो दिस एंगल विल बी अल्फ़ा माइनस थीटा।
थीटा, तो अल्फा में से माइनस करेंगे थीटा, तो इस एक्सिस को हम क्या लिखेंगे, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ और ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल वर्टिकल कंपोनेंट, और ये जो एक्सिस है ये वाली, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो x डैश की वैल्यू होगी क्या, r cos अल्फा माइनस थीटा। अब इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो r cos अल्फा cos थीटा प्लस r, ये cos a माइनस बी का एक्सपेंशन है, r sin अल्फा sin थीटा x प्राइम x प्राइम। तो r cos अल्फा को हम लोग 2D में देख चुके हैं, r cos अल्फा को लिखते हैं x, x cos यहाँ पे थीटा होगा, x cos थीटा प्लस ये वैल्यू हमारी y है, ये वाली वैल्यू y है और इधर ये x है, इंटू sin थीटा। यानी हमें ये रिलेशन मिल गया कि x डैश x से किस तरह से रिलेटेड है, तो x डैश इक्वल है x cos थीटा प्लस y sin थीटा। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिल गया कि हाउ x एंड y किस तरीके से x और y चेंज हो रहा है x डैश में। तो अगर हमें x y और थीटा के वैल्यू पता है तो हम x डैश को फाइंड कर सकते हैं जो कि हमारे ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट से है, ट्रांसफॉर्म एक्सिस से हम लोग देख रहे हैं। सिमिलरली अगर हम वाई डैश को फाइंड करें तो वाई डैश हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है इस एक्सिस पे, तो वाई डैश होगा आर, ये वर्टिकल कंपोनेंट, आर साइन अल्फा माइनस थीटा, आर साइन अल्फा माइनस थीटा। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा r sin अल्फा cos थीटा माइनस r cos अल्फा और sin थीटा। r cos अल्फा हमारा क्या है, r cos अल्फा है x, सो दिस विल बी x cos थीटा माइनस r cos अल्फा क्या है, यहाँ r sin अल्फा है तो यहाँ पे y होगा, इधर x sin थीटा, x sin थीटा। अब अगर हम x वाली वैल्यू को आगे लिखें और y वाले टर्म को पीछे, तो इसको लिख सकते हैं y डैश इक्वल माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा। तो ये है y डैश का एक्सप्रेशन, यानी x डैश हमारा इतना होगा, y डैश इतना, अगर हम थीटा एंगल से ट्रांसफॉर्म करते हैं और अगर हमें थीटा नोन हो तो हम लोग इस तरह से x डैश और y डैश का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अंडर रोटेशन इस कोऑर्डिनेट को अगर हमें फाइंड करना हो तो हम इस दोनों एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। इनका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं, तो इन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वी कैन राइट, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे x ये हो जाएगा x डैश y डैश इक्वल, यहाँ x का कोफिशिएंट है cos थीटा, यहाँ होगा cos थीटा, y का कोफिशिएंट sin थीटा, और इसमें y डैश का क्या है माइनस sin थीटा, और इसके साथ y का कंपोनेंट है cos थीटा, यहाँ होगा x और y। तो ये है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन टू डायमेंशन में। तो टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन में ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से हम टू डायमेंशन में किसी भी कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके ट्रांसफॉर्म एक्सिस के टर्म में। तो इसी तरीके से इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं थर्ड या थ्री डायमेंशंस के लिए भी। तो थ्री डायमेंशंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें केवल संशोधन करना होगा,
हमें यहाँ पे जेड एक्सिस बनानी होगी ऐसे, और एक डॉट, तो ये डॉट शो करता है 3D डायमेंशन को, 3D स्ट्रक्चर को, ये जेड, या फिर आप इसको सीधे जेड एक्सिस भी बना सकते हैं। तो चाहे हम जेड एक्सिस बना लें या फिर इसी को जेड एक्सिस मान लें, और इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा, ये एक्सिस रोटेट करेगी, तो ये सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी उस केस में। यहाँ एक्स वाई जेड हो जाएगा, यहाँ पे जेड प्राइम, जेड प्राइम। अब चूंकि जेड एक्सिस के अबाउट ही रोटेशन है तो जेड में कोई चेंज नहीं आता, जेड में कोई चेंज नहीं आएगा। बाकी वैल्यू आपकी जैसे ये है एज इट इज़ होगा, केवल और जेड में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी एक्स डैश इक्वल एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई डैश या वाई प्राइम इक्वल माइनस एक्स साइन थीटा, ये वाली वैल्यू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, और जेड डैश हो जाएगा यहाँ पे जेड ही होगा। वन मिनट, सो ये इक्वल ही है, जेड डैश का वैल्यू जेड के ही बराबर है, ये स्मॉल जेड ही है, स्मॉल जेड। तो एक्स डैश इस तरीके से चेंज होगा, वाई डैश इस तरीके से, और जेड डैश के अबाउट ही रोटेशन है तो जेड एक्सिस चेंज नहीं होगी। जैसे अगर इसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन है तो ये एक्स वाई हमारा मूव करेगा, लेकिन ये एक्सिस तो वहीं रहेगी, तो ये एक्सिस मूव नहीं करेगा। इसलिए 3D में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा कोऑर्डिनेट्स का वो इस तरीके से होगा। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो इनका भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम लोग उसी तरीके से कर सकते हैं 3D में, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आता है, केवल यहाँ पे जेड डैश आएगा, फिर यहाँ पे 0 0 और 0 0, लास्ट में होगा 1, यानी कुछ इस तरीके से। तो जैसे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 1 0 0 1, तो ये सारा कुछ जो है रोटेशन वो सिर्फ ओनली अबाउट जेड एक्सिस, ओनली अबाउट जेड एक्सिस। तो इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।